अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ यूसुफ सईद और इस टाइम दिन के 3:20 हो चुके हैं। मैं मौजूद हूँ मारगल्ला एवेन्यू पे। ये सड़क संगजानी टाउन को जा रही है। सड़क को जाली हुकूमत ने कंटेनर लगा के मुकम्मल ब्लॉक कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के जो टाइगर्स हैं उन कंटेनर्स को साइड करके रास्ता बना रहे हैं। इस टाइम एक अवाम का जमे गफीर यहाँ पे मौजूद है। मुख्तलिफ लिंक रोड का इस्तेमाल करके लोग अपनी मदद आपके तहत जलसगा की तरफ रवान दवा हैं। याद रहे ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये किसी MPA, MNA या किसी उम्मीदवार असम्बली का कोई काफिला नहीं है। ये आम लोग हैं जो अपने घरों से सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की काल पे आज संगजानी जलसगा में शिरकत के लिए रवान दवा हैं। आप देख सकते हैं ये मनाजर एक्सक्लूसिव मनाजर है। आशबा शरीफ को चाहिए उसको बुलाए और उसको करे कह के तुम डिसमिस खत्म, क्योंकि आज तरीके इंसाफ का कारकुन कारकुन जीत गया। आज कारकुनों ने ये किया है, सब कुछ कारकुनों ने किया है। अगर हमारे लीडरों तक होता तो ये रात को वहाँ से भाग के यहाँ कंटेनर लगाए गए कि लोग ना पहुंचे, लेकिन समंदर पहुंच रहा है। हैपर पख्तूनहा का आना भी बाकी है, हैपर पख्तूनहा अभी बहुत से लोगों का आना बाकी है। क्या कहेंगे आप? कोई भी ना आए मौत हो गई आज। कोई ना 10 बंदे भी अगर आज आ गए ना, टोटल 10 बंदे, अगर 10 बंदे भी आ गए तो आज सिस्टम मर गया। सिस्टम मर गया। ये इस टाइम जो है वो आप देख सकते हैं आज साइड से लोग ही लोग हैं, और ये मनाजर इस टाइम जो है वो लोग जो है पहुंच रहे हैं। तेरा यार मेरा यार नंबर 804। क्या कहना चाहेंगे? इतनी रुकावटें, इतनी चीजें भाई। ये मनाजर इस टाइम आप लोगों को दिखा रहे हैं। PTI के जो कारकुनान हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं, और ये अभी जलसा शुरू होने में बड़ा टाइम रहता है। और ये आप लोगों के सामने जो है वो इस टाइम के मनाजिर हैं कि लोग जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और लोग ये अब ये रुकावटें जो हैं वो उसको अबूर करके लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये एक क्या लीजिए, ठीक ये इस टाइम के मनाजिर हैं। जिस साइड से भी आपको देखेंगे ना, आपको ये शब्बीर गुजर जो है वो पहले से खड़े हो गया। कल आपको एक बंदे ने कहा था 10 किलोमीटर की रेंज का वो ड्रोन कैमरा जो होता है वो आपका लेकर आना। आप देखिएगा कि आज मुर्शद की आवाज पर, मुर्शद की पुकार पर ये पाकिस्तानी कौम, ये गैरतमंद कौम, ये जुर्रतमंद कौम आपको लब्बैक कहकर दिखाएगी। हर किस्म की रुकावट हम उखाड़ेंगे, हर किस्म की रुकावट को हम तोड़ेंगे। इनकी ये जो यजीदियत यहाँ पर इन्होंने पाल रखी है, हम हुसैनियत वाले लोग हैं, और जब हुसैनियत वाले लोग निकलते हैं तो वो ये बात याद रखते हैं कि हर दौर के यजीद को इनकार होना ही हुसैनियत होती है। और अब जितना बड़ा यजीद होगा उतना बड़ा इनकार होगा और डंके की चोट पर होगा। ये मुर्शद की ललकार है, आप यहाँ पर आवाज सुने ना, वो बागी ना गद्दार। कितना आपको मुर्शद से प्यार है, आवाज देना है हुसैन साहब को पता लगे कि आज जलसा किसका है, आवाज किसकी है, ललकार किसकी है। ना वो बागी ना गद्दार। सुन लो फॉर्म 47 के हुक्मरानों, ये बात मेरी याद रखना कि 8 फरवरी को इस पाकिस्तानी कौम ने जो मैंडेट दिया था वो मेरे मुर्शद, मेरे लीडर, मेरे कप्तान इमरान खान को दिया था। तुम यहाँ पर जो इम्पोर्ट होकर आए हो, लोगों की गुलामी करके आए हो, अमेरिका की गुलामी करके आए हो, ताकतवर हलकों की गुलामी करके आए हो, ये तुम्हें आज आखिरी बार नहीं है। 8 सितंबर का दिन दोपहर 3 बजे बाद याद रखना कि आज के बाद हम वर्कर्स ये कसम खाते हैं कि जब तक हमारा मुर्शद रिहा नहीं होगा हम घरों में नहीं बैठेंगे। हमारी माँ नंगी करो, हमारी बेटी नंगी करो, हमें नंगा करो,
जो कह सकते हो खुदा पर हमने छोड़ा, अब जो होगा फैसला रब करेगा। किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, ये 26 करोड़ का मुल्क है, 26 करोड़ का मुल्क, इसका फैसला कोई एक बंदा नहीं करेगा, हम खुद करेंगे, ये हमारा मुल्क है। आज हम आपको इंतवा देते हैं कि आपने दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में रुकावट लाई तो फिर आप जाने और आपकी जिम्मेदारी जाने, हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि हमारा मुल्क, हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अगर हम लोग नहीं बचाएंगे तो बांग्लादेश के या श्रीलंका के लोग नहीं बचाएंगे। अच्छा, मुझे ये बता दें कि निजाम ने तो सारी कोशिश की, आज निजाम हार गया। सर निजाम उस दिन हार गया था जिस दिन एक मुर्शद हमारा डायरी पकड़कर बाहर निकला था ना, निजाम उस दिन दफन हो गया था, लेकिन निजाम आज अना में खड़ा है। निजाम की आंखें जो है ना वो खुदाई बनी खड़ी हैं कि शायद हमने सदा बाहर यहाँ पर रहना है, यहाँ पर बड़े बड़े बादशाह गिर गए, बड़े बड़े बादशाह गिर गए, तो ये किस बात की है। ये निजाम आज हार चुका, निजाम अपनी तस्लीम, ये हार जो है वो तस्लीम करे और माने इस बात को कि एक शख्स इस कौम को झंडे के नीचे इकट्ठा कर सकता है, उसका नाम इमरान खान है। आप जजीदियत से हट के हक पर आए, अपने जमीर को जिंदा करें और पूछे खुद से, हमसे मत पूछे, खुद से पूछे, क्या इमरान खान गद्दार है नहीं, क्या इमरान खान चोर है नहीं, क्या इमरान खान करप्ट है नहीं। अगर आपका जमीर मुतमईन नहीं होता तो जमीर का ताल्लुक खुदा से होता है, और खुदा जब आपके दिल में ये गवाही दे रहा है कि अगर ये शख्स आ जाए आपका मुल्क समर जाएगा, तो फिर आपको किस बात की लालच है। आपके जाति मफाद जुड़े हुए हैं, कभी लंदन के साथ, कभी अमेरिका के साथ, आपने अपने बच्चों की जायदादें बाहर बनाई, और हमारे मुर्शिद का कोई एक मोटरसाइकिल भी बाहर है तो बताएं, नहीं है, कोई इंसानियत करे। एक नारा एक नारा सुनैन साहब करे, अभी इनकी बहुत कुर्बानी है, इन्होंने इलेक्शन में भी हमारा साथ दिया, हम इनकी अजमत को सलाम करते हैं, हमारी तरह के सिपाही है। इमरान खान इमरान खान जिंदाबाद, बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान, सरकार से बोल लो कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान, बताओ इनको कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मनाज़िर इस टाइम जो है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जीटी रोड के ऊपर आवाम है और अभी जलसा शुरू होने में काफ़ी टाइम रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो है बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी हैं।